राम नाम के भज के प्राणी जीवन सफल बनावा। मर्यादा पुरुषोत्तम के छवि अपने हृदय बसावा। राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा, राम कथा सुन राम कथा। श्री राम जय राम जय जय राम। आज के पावन पवित्र श्री राम कथा में रवलोक के स्वागत बा। पीछे के प्रसंग में ब्रह्म विद्या गूढ़ अध्यात्म के रहस्य ऐसन प्रसंग चलत रहे कि लखन जी भगवान राम से ज्ञान वैराग्य और भक्ति माया जीव ईश्वर के संबंध ऐसन प्रश्न कहनी प्रभु समझावत रही कि गो गोचर जहां लगी मन जाही सो सब माया जान हो भाई। और माया के प्रकार बतैनी कि तही कर भेद सुनहु तुम सो। माया के भेद सुनी हे लखन जी विद्या अपर अविद्या दो। एक माया विद्या माया है और एक अविद्या माया है। ये दोनों के मिला के आदमी सोचेला यही से भ्रम हो जाला। विद्या माया का है अविद्या माया का है। तो कहनी कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, एक माया दुष्ट बिया। अतिशय दुख के कारण जहां बस जीव पराभव कूपा। जेकरा बस में जीव भव सागर में बार बार पड़ेला अब पड़ला के बाद भी वही कीचड़ वही कठिनाई और वही गंदगी उकरा पसंद आवे लगेला। वही में बिलबिलात रही कीड़ा जैसन, वही में निम्न श्रेणी के जीव बनत रही, वही में उकरा अच्छा लागत रही। बार बार वही भवकूप में वही माया के कारण पड़त रही। इकरे के अविद्या माया कहाला। क्योंकि जब ऐसे तो संसार पूरा माया में बा, लेकिन भेद बताओ तनी भगवान कि अविद्या माया के कारण जीव भव सागर में डूबत उतरात रहेला और जन्म जन्म उकराई भोगत रहे के पड़ेला। और विद्या माया ये सृष्टि है, विद्या माया परमात्मा की शक्ति है। माया शक्ति के भी कहल जाला, माया लक्ष्मी जी के भी कहल जाला। ईश्वर तो एक बानी, ब्रह्म तो एक बानी। उन्हें के मौलिक स्वरूप के ब्रह्म कहल जाला और उन्हें के प्रकृति स्वरूप के माया कहल जाला। जो नि संसार बनल बा वो परमात्मा के माया स्वरूप से बनल बा। और यही के भीतर अविद्या माया जोन बा कि संसार में आइला के बाद जब अज्ञान हो जाला, विकार हो जाला, अपवित्रता आ जाला, तो वही माया विकृत रूप धारण करके आशक्ति के रूप में आवेले। एकरे के अविद्या माया कहाला। जोन छोट छोट बात खातिर अशक्ति आ जाओ, मोह हो जाओ और हर बात में मैं और मोर आवे लागे, तो ये अविद्या माया। और विद्या माया कि संसार की सृष्टि तो माया से ही बनल बा, परमात्मा के शक्ति के नाम माया। कण कण में परमात्मा के वास बा। कने कि एक रचई जग गुण बस जाके। एक जोन अविद्या माया बा अतिशय दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पड़ा भव कूपा। और विद्या माया खातिर कहनी कि एक रचई जग गुण बस जाके, कि जेकरा गुण से संसार के रचना होला एगो माया वो है, वो परमात्मा के माया है। प्रभु पे रित नहीं निज बलता के, उकर आपन कोनो शक्ति नहीं के माया के। प्रभु की प्रेरणा से जो कार्य संसार में हो रहल बा वो विद्या माया। जोन घटना पवित्र रूप से सात्विक रूप से सहज भाव से हमनी के जिंदगी में घट रहल बा, जे भी जीव सृष्टि में आइल बा सब प्रभु के प्रेरणा से आइल बा। सब लोग के भगवान भेजले बानी ये धरती पर और सबके जीवन के कोई ना कोई उद्देश्य दे के भेजले बानी। और प्रभु की प्रेरणा से यंत्र रूप में जीव कोई कार्य करे
और धीरे धीरे वही में लीन होके वही लक्ष्य तक पहुंचे तो ये दुष्ट माया ओकरा के ना पकड़ पावेले और वो प्रभु प्रेरित कार्य भक्त बन के वो परमात्मा ही में वो जीव एक दिन लीन हो जाना। एगो माया अविद्या माया, एगो माया विद्या माया, ऐसे जीव का प्रयास करे के चाहिए, कोशिश करे के चाहिए कि अविद्या माया से निकल के विद्या माया में चले। लेकिन संसार में वाणी तो माया से बाहर हो नहीं की सकत। संसार में जिए खातिर सब माया बा, लेकिन यही में विद्या माया में जिए के बा, ये माया के समझ के जिए के बा। ठाकुर राम कृष्ण परमहंस कहत रही कि दो तरह के माखी होला, दो तरह के मक्षी भवना बोली होला, एगो नालियों में बैठ जाई, घावों पर बैठ जाई, फूलों में बैठ जाई। तो ये माया से बस, दुष्ट माया से बस जीवा, और एक खाली फूल पर बैठी विद्या माया के ऊपर पराग के रस लेवे के बाद, लेकिन वो विद्या माया में बा, गंदगी में कभी ना बैठी और गंदगी के आपन कभी ना मानी। ए तरह से विद्या माया में जीव के जाए के चाहिए। जब संसार परमात्मा के है, संसार के कण कण प्रभु प्रेरित बा, ऐसन भाव आके जीव यंत्र रूप व्यवहार करे लगी तो विद्या माया में लीन होके यहू माया से वो ऊपर उठ के मायापति के अनुचर बन जाए। आगे भगवान समझा रहल बनी, पहले प्रश्न का कहल गई रहे, प्रश्न कहल गई रहे कि ज्ञान विराग भगति, प्रभु ये तीन चीज बताएंगे, ज्ञान का है, वैराग का है, भक्ति का है, और बाद में पूछने की माया का चौथा नंबर। अब फिर पूछतनी कि जीव और ब्रह्म के भेद का है। लेकिन भगवान यहां शुरू कहनी माया से कि माया समझ में आई तो ज्ञान भक्ति वैराग समझ में आई, अब बताओ तनी कि कैसे ही समझल जाला। ज्ञान मान जह एक हुनाही, ज्ञान मान जह एक हुनाही, देख ब्रह्म समान सब माही, देख ब्रह्म समान सब माही, ज्ञान मान जा कहियता ते सो परम विरागी, कहियता ते सो परम विरागी, तीन समसिद्धि तीन गुण त्यागी, तीन समसिद्धि तीन गुण त्यागी, ज्ञान मान जह एक हुनाही, ज्ञान मान जह। भगवान लखन जी के समझा रहल बनी कि ज्ञान मान जह एक उनाही, ज्ञान के गुमान भी जहां नहीं खे, मान मर्यादा भी के ख्याल नहीं खे, एकदम भगवत मैं भगवन मैं हो गई आदमी, देख ब्रह्म समान सब माही, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबके अंदर ब्रह्म के वास जे देखता वही वैरागी बा। पूछने का कि ज्ञान और वैराग का हो तो माया से शुरू करके अब वैराग बताओ कि जहां मान ना हो को, जहां ख्याति की कामना ना हो को, और जहां ज्ञान के भी अहंकार ना हो को, और सबके अंदर ब्रह्म रूप में जो दर्शन करत हो को, वहे वैरागी बा। आइए एक छोटा विराम लिया, फिर कथा आगे बढ़ी। श्री राम जय राम जय राम, राम कथा सुन राम कथा, श्री राम जय राम जय जय राम।
ज्ञान मान जह एक उनाही, देख ब्रह्म समान सब माही। जहां ज्ञान के गुमान भी नहीं खे, सबके अंदर ब्रह्म के वास जे देखता, कहिए तात हे लखन जी, सो परम विरागी। वो परम विरागी खली जटाजूट बढ़ैला से वैरागी ना होला। तीन सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, कि जे तिनका जैसन खर जैसन सिद्धि के त्याग कर दे वो बैरागी बा। यहां समस्या तबा बैरागी जी भभूति निकाल रहल बनी, बैरागी जी चमत्कार दिखा रहल बनी। लोग हमनियों के आगे कहले बाबा कुछ चमत्कार दिखाई ना तो के पूछी रहुआ के। अरे मत पूछा भाई, हम तो भगवान खातिर भजन करे खातिर घर छोड़ ले बनी, पूछला खातिर छोड़े बनी। लेकिन कहला लो चमत्कार के नमस्कार, कुछ चमत्कार करी के लोग रहुआ के नमस्कार करो। सिद्धि मार्ग के मील के पत्थर। जब रहुआ दिल्ली जातनी पटना से, तो रास्ता में लिखल मिली दिल्ली हतना किलोमीटर बा, तो गड़िया रोक के वही जा खड़ा हो जाए दिल्ली आ गई। लिखल बा दिल्ली पत्थर पर, तो दिल्ली आ गई। सब लोग उतर गए, लोग कहाँ बा दिल्ली, केने बा कुतुब मीनार, केने बा लाल किला, आई दिल्ली ना हा, दिल्ली लिखल बा। अच्छा वो खाली बताओ था कि दिल्ली अभी इतना दूर बा। फिर गनी फिर एगो मिल गई लिखल दिल्ली 300 किलोमीटर, आ गई दिल्ली आ गई। सब लोग उतर गए, केने बा भाई लाल किला कुतुब मीनार, ना ना यो दिल्ली ना। एगो ट्रेन में एक आदमी जात रहे, तो जात रहे तो उनका जाए के रहे दिल्ली, और ट्रेनवा में रेडियो के होके बाजत रहे, तो कलक दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। तो उनका बुझाइल कि दिल्ली आ गई, तो वहां का लखनऊ में उतर गई। लखनऊ में रेडियो बोल दलक कि आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है, तो लखनऊ में उतर गई। एगो रिक्शा वाला से कहनी कि लाल किला ले चल, तो रिक्शा वाला सोचल कि भाई लखनऊ में लाल किला कहा इनका के ले चली, तो कहने लाल किला ले चली। अरे लाल किला ले चलो जहां लाल किला बा। अब रिक्शा वाला दिन भर घूमैलक, सांझ हो गई लाल किला ना भेटाई लखनऊ में। तो एगो आदमी से पूछता रहे कि भाई लाल किला ना भेटाइल, दिन भर हम घूमतनी अभी ले लाल किला दिल्ली के ना भेटाइल। तो वहां का कहतनी कि एक दिन में भेटा जाई, 5 दिन से हम आगरा के ताजमहल खोजतनी मिलते नहीं कि हमरा, इनका एक दिन में लाल किला भेटा जाता। वहां का रेडियो सुन के उतर गए कि आगरा स्टेशन है। वहां के रेडियोवा बोल रहे कि आगरा स्टेशन है, स्टेशन रेडियो स्टेशन ना, उनका बुझाइल कि आगरा स्टेशन। तो वहां का 5 दिन से खोजत नहीं कि ताजमहल किने बा, तो कने के एक दिन में भेटाई, 5 दिन हो गए ताजमहल भेटेबे ना कल, तो इनका लाल किला भेटा था एक दिन में। तो ये जतना लिखल मिलेला ये मील के पत्थर है, खाली संकेत खातिर, खाली बुझे खातिर कि दिल्ली कतना दूर बा। और वही पत्थर के पकड़ के धा के क्यों बैठ जाओ तो कभी दिल्ली ना पहुंची। वैसे ही सिद्धि जीवन में साधक के आवेला, ये बतावे खातिर कि सिद्धि आयल बा, तो आगे और सिद्धि आई, और मिल के पत्थर आई, और बाद में परम सिद्धि आई जकरा के ईश्वर कहा जाला। ऐसे सिद्धियन के धरी मत आगे बढ़त जाई तब परमात्मा मिले। तो बैरागी के मतलब होला कि सिद्धि के त्याग, संसार के त्याग तो बैराग होबे करेला। यहाँ परमात्मा भगवान राम जी लखन जी से कहतनी कि सिद्धि के त्याग बैराग है। तीन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी, खर जैसन सब सिद्धि के त्याग के दो ना। बाबा बड़ा सिद्ध बानी, भभूति निकालतनी, पानी निकालतनी, पैसा बरसावतनी, तो देश में बड़ा गरीबी बा, पैसा काने की बरसा दे, गरीब लोग कम मिल जाए ना। बाबा के कृपा होता करिया एगो बैग ले ली, टीवी पर देखी रहा और बैग भर जाई। अरे भाई बड़ा गरीबी बा देश में, अतना ही सिद्धि आ गई भाई लोग का लगे। पहले तो सिद्धि के प्रदर्शन ना होके के चाहिए। बैरागी त्यागी और संत के मतलब है जो सिद्धि का त्याग कर दे। सिद्धि रहला के बाद भी सिद्धि के त्याग कर दे वो बैरागी है। लेकिन सिद्धि जे दिखा रहा निश्चित धोखेबाज हो,
जब भगवान कह रहल बनी कि साधु रहुआ तबे बनेम जब सिद्धि के त्याग करे। अब सिद्धि आइल नहीं के कि आ गइल बा ये अलग बात बा, लेकिन साधु का लगे संत का लगे सिद्धि आइला के बाद भी वो सिद्धि के प्रदर्शन कभी ना करेला। नीमन संत सिद्ध संत कभी भी अपना सिद्धि के प्रदर्शन ना करी, भले ओकरा के लोग मानो सिद्ध ना मानो, वो अपना भगवान के भक्ति में मगन रहला। संसार के माया के प्रदर्शन खातिर माया में जुराए खातिर अपना सिद्धि के प्रदर्शन साधु कभी ना करी, सीधा साधा साधारण बनल रही। यही जे कहल जाला कि हीरा पाया गाठ गठियाया बार बार फिर क्या खोले। सिद्धि हीरा हम मान ली तो मिल गिल बा केहू का दो चार को हीरा बाजार में जाके हमरा लगे हीरा बा हमरा, अरे लूट ली लोग छीन ली क्यों मर्डर कर दी है लुका के राखी ओकरा के तोप के राखी सिद्धि मिलल बिया तो ओकरा बाद परम सिद्धि मिली भगवान मिले। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। आइए को छोट विराम लियाओ फिर आगे कथा प्रसंग चली। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। विरागी ओकरे के कहल जाला जोन तिनका के समान खर जैसन सिद्धि के त्याग कर दे, जे सिद्धि के प्रदर्शन करो समझ ली कुछ ना कुछ धोखा बा। अभी कोई सदगुरु उनका नैखन मिलल, अभी शास्त्र के अवलोकन नहीं भइल, शास्त्र के शरण में बैठे के भी अवसर नहीं मिलल। ना तो जब शास्त्र बात कह रहा बा तो कैसे कोई साधु सिद्धि के प्रदर्शन करी। और लोग इतना ज्ञानी बा यही ठग लोग के ढोंगी लोग के चक्कर में आके और अपन धर्म भी खो रहल बा, और यही चक्कर में सच्चा संत भी बदनाम हो रहल बा। साधु प्रदर्शन ना कर सकता। विराग के मतलब है कि विराग शब्द के तनी विचार कर जाओ। एक तो विराग होला कि छोड़ दिया इल कुछ तो विराग कहे, अब तनी उलट के देख ली विशेष राग। विशेष राग परमात्मा के प्रति हो जाओ तो सब छूट जाए, अपने से छोड़े के ना पड़ेला कुछ। जब अगला सीढ़ी पर वह चढ़ जाए तो नीचे की सीढ़ी अपने से छूट जाए, कि वह सीढ़िया पर चढ़ रहे बा ऊपर वाला सीढ़ी पर चढ़ जाए। ये कैसे हुई कि एगो गोड़ नीचे वाला सीढ़ी पर बा, एगो गोड़ एकदम आखिरी सीढ़ी पर बा, छितरा जाए वही जा नहीं चढ़ सका। तो जैसे रहुआ ऊपर के सीढ़ी पर चढ़े नीचे के सब सीढ़ी छूटत जाला, अपने से छोड़े के ना पड़ेला। जेकरा विशेष राग परमात्मा के प्रति हो जाई ये सब माया के बंधन सब सीढ़ी छूटत चल जाई। और छूटे में यहाँ राम जी कहतनी सीढ़िए के वर्णन करतनी कि कौन कौन सीढ़ी छूटेला, तो कहने की सिद्धि छूट जाला, सब सिद्धि छूट जाला और तीनों गुण के त्याग हो जाला। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। संसार में जीवन में तीन गुण बंधन रहेला, बिना ये तीन गुण के इलासा हजिए खातिर इना रहे तो संसार में रहल मुश्किल हो जाला। तो एक गुण के कहल जाला तमोगुण, दूसरा गुण के कहल जाला रजोगुण, और तीसरा के कहल जाला सतोगुण। तमोगुण के मतलब है आलसी प्रमादी राक्षसी वृत्ति लूट खसोट दूसरा के सतावल कष्ट देवल, ए में जिकरा आनंद आवता, उठे को गिराना गिरे को कुचलना और कुचले हुए को तड़पते हुए देखना, इसमें किसी को आनंद आए तो समझ ले कि परम तामसिक आदमी है, राक्षसी आदमी है। और गिरे को उठाना उठे को चलाना और चलती हुए को दौड़ते हुए देखकर लक्ष्य तक पहुंचते हुए देखकर आनंद आए तो समझ लेना कि सात्विक व्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद से केव पूछलक कि रउआ देश में इतना धर्म अध्यात्म बा, तब हूँ रहुआ देश के लोग अब अहिले ऐसे ही अज्ञानी पड़ल बा आइल बानी अमेरिका में है ज्ञान देवे, तनी उन्हीं जाके पहले सिखैती अपने देश के लोग के सिखैती। तो स्वामी विवेकानंद जी कहनी कि तहनी रजोगुण में जियता रहो। रजोगुण के मतलब बोला पुरुषार्थ पराक्रम मेहनत
भले ही संसारिकों को संसारिक चीज पाए खातिर दिन रात आदमी लागल रहो, ये रजोगुण है। सत्ता पावे खातिर, राज गद्दी पावे खातिर, पोस्ट पावे खातिर, कोनो शोध करे खातिर, ये प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग अपनो यहाँ दिन रात लाग के शोध करत रहे लोग। अब अभी वैज्ञानिक सब विदेश में मेहनत कर करके अब डिस्कवरी चैनल देखी, एक गो चिड़ई के देखे खातिर 17 दिन एगो कैमरा लगा के बैठा रहेगा सब। एगो सांप का मुंह में से कुछ निकलता दो दो महीना कैमरा लगा के वो ठंडो में बैठा रही है सर। ये अपने यहाँ के आदमी से हुई जल्दी भाग जाए, इके करी ये काम हमारा से ना हुई कहे लागिलो। ये रजोगुण है, रजोगुण जब परिपक्व होला तो आदमी पुरुषार्थ करेला। तो स्वामी विवेकानंद कनी कि तहनी के लगे रजोगुण बा तो सात्विक गुण में स्थिर कइल जा सकता। अभी भारत में तमस आ गइल बा, अब पहले वहां रजोगुण के जरूरत बा। यही से स्वामी जी कहनी कि गीता पढ़ने से अच्छा और गीता समझने के लिए सरल तरीका कि पहले फुटबॉल खेलना सीख लो, पहले रजोगुण आए, जब पहले ताकत आए, पहले ऊर्जा आए, पहले उत्साह आए, पहले पराक्रम आए, तब जाके भक्ति भजन हो। आलसी प्रमादी जिसके पास पराक्रम नहीं है, कुछ करने का हौसला नहीं है, वो कैसे भक्ति कर पाई। और सात्विक मतलब हो कि सब दुर्गुण के त्याग करके सत्य भाव में स्थिर भइल। आज की कथा यही जा विराम ली, आई सब लोग मिलके प्रभु के सुमिरन कर जाओ, भगवान के नाम लिहल जाओ, रवा लोग निश्चित धार्मिक वाणी। ऐसे कथा सुन रहल वाणी, घर में भी भजन होत हुई जरूर रोज भजन करी, लेकिन मौका बा हमरा साथे साथे भी थोड़ा भजन करी, भगवान के नाम के कीर्तन करी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे।